हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो देर रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देर रात, जी हाँ, देर रात के बारे में हम आज ये रीडिंग देखेंगे। देर रात आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स पूरे डिटेल में हम लोग जानेंगे, पूरे डिटेल में हम लोग कवर करेंगे कि आखिर वो क्या सोच रहे थे या क्या जो है सोच रहे हैं, एंड किस तरीके का जो है उनकी वाइब है, किस तरीके की उनकी एनर्जी है, वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं और चैनल को तो सब्सक्राइब करते नहीं हैं, क्योंकि आपको किसी की मेहनत की जो है वो आदत है नहीं कि हाँ उसको अप्रिसिएट किया जाए। हाँ, मुझे पता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग, अगर कोई आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेके आ रहा है, तो कम से कम एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। अब इतना भी नहीं किया तो यानी कि आप अपने कार्मिक बर्डन को बढ़ा रहे हैं। सो चलिए, कोई बात नहीं है, चलिए हम रीडिंग की बात करते हैं और टॉपिक की बात सीधे करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम देखेंगे ना, इसमें हमें डीप एनर्जी की जो है फीलिंग आनी चाहिए, है ना। कहने का अर्थ ये है कि आप अगर डीप फील करेंगे तो ही आप अपने पार्टनर के बारे में जान पाएंगे। अगर आप सिर्फ बस यूँ ही टाइम पास के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आप डीप फीलिंग्स अगर जानना चाहते हैं अपने पार्टनर की, तभी देखिए ये रीडिंग, पार्टनर की या जिनके बारे में भी आपको जानना है उनकी फीलिंग्स। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर आज रात क्या सोच विचार कर रहे हैं इनके बारे में, हमें गाइड करें। ओके, इमोशनल लॉस, ओके, पेशेंस, ओके, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड है। क्या है मेरे पास? ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक, सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी। समझ सकते हैं आप इनकी फीलिंग्स को, इनके इमोशंस को। कार्ड्स आपके सामने ही हैं, मैं क्या ही बताऊं। कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं, सबसे पहले तो देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, बहुत तन्हाई में, बहुत अकेलेपन में ये अपने दिन गुजार रहे हैं। अंदर से जो एक खालीपन होता है, अंदर से जो एक अकेलापन होता है, जो अंदर से इंसान बहुत गिल्ट फील करता है, अंदर ही अंदर अपने आप को मारता है, अपने जो थॉट है उनको रोकता है कि भाई तू मत जा, मत निकलना मेरे अंदर से, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तू ऐसे मत सोच, तू ऐसे मत कर, तू ऐसी चीज़ें मत कर, तू ऐसी वैसी चीज़ें करेगा तो तेरा प्रॉब्लम होगा, तुझे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये जो पर्सन है बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल। आपको इतना याद कर रहे हैं ये पर्सन कि अपना जो मैसेज है ये आपके पार्टनर आप तक पहुंचाना चाहते हैं। देख रहे हो इनके दिल से ये वाइब्रेशन निकल रही है, जो कि बता रही है कि आपके पार्टनर आप तक अपने मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं। कहीं ये पर्सन जो है टेलीपैथी की हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि ये टेलीपैथी की हेल्प से जो है ना आप तक अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ये पर्सन वाकई में बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वाकई में बहुत मिसिंग एनर्जी है। ऐसा लगता है कि जैसे कि मिस करते करते इनकी आंखें नम हो जा रही हैं, एंड ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना
आप में कहीं ना कहीं अपना जो फ्यूचर है वो जब देखते हैं तो इनको लगता है कि यार ये फ्यूचर मेरे साथ बन सकता था इसका, या अब ये मेरे साथ नहीं है, कहीं किसी और के साथ है, या कहीं किसी और को टाइम दे रहा है या दे रही है। तो वो सुन के इनका दिल बहुत तकलीफ़ में जा रहा है, क्योंकि इनको आपकी बहुत याद आती है। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन किसी तीसरे के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, नो। ये पर्सन का ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पर्सन हज़ारों करोड़ों के जो है दुनिया को छोड़ के एक आपके गम में ये पर्सन पागल हो रहे हैं। ये पर्सन बहुत तकलीफ़ में है, इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं। समझ सकते हैं आप, जब इंसान कोई इमोशनली लॉस फील करता है तो इसका अर्थ ये है कि आप उसके लिए उस दुनिया के वो पर्सन हो जिससे वो कभी दूर नहीं जाना चाहते हैं, या कभी अपनी ज़िंदगी से वो दूर नहीं करना चाहते हैं। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ही अकेलापन, बहुत ज़्यादा ही दुखी महसूस करते हुए मैं देख पा रही हूँ। एंड ये जो पर्सन है, देखिए, अपने आप को बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं कि भाई अपने आप को रोक ले, तू ओवरथिंकिंग क्यों कर रहा है, ओवरथिंकिंग क्यों कर रही है, ऐसे ये पर्सन के मन में ख्याल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पर्सन के मन में ये भी ख्याल है कि देख, सब कुछ तो हो चुका है। आपके पार्टनर पेशेंस रखे हुए हैं, आपके पार्टनर अपने अंदर पेशेंस रखे हुए हैं कि भाई मैं अपने अंदर कैसे भी करके चीज़ों को दबाऊंगा, मैं अपने अंदर कैसे भी करके चीज़ों को समझूंगा। पेशेंस के साथ ये पर्सन बहुत बातें करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन के अंदर पेशेंस है, ये पर्सन सब कुछ जो है कंट्रोल में रखना चाहते हैं, सब कुछ जो है अपने आप में कंट्रोल में रखना चाहते हैं। सब कुछ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे ऐसा भी फील होता है कि ये पर्सन के अंदर जो एंजाइटी लेवल है, स्ट्रेस लेवल है, वो बढ़ रहा है। लेकिन यस, ये पर्सन के अंदर ये भी है कि ठहर जाओ, थम जाओ, सब्र का फल मीठा होता है। आपके पार्टनर इसलिए भी रुके हुए हैं क्योंकि इनको लगता है कि सब्र मैंने रखूंगा ना, सब्र मैं रखूंगा तो मुझे कल को कुछ अच्छा मिल सकता है, कल को कुछ पॉजिटिव मिल सकता है, कल को कुछ ऐसा मिल सकता है जिसके लिए मैं खुद को जो है शायद रेडी कर पाऊँ, है ना। तो ये पर्सन ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन की ऐसी वाइब दिखाई दे रही है, ये पर्सन की ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन को ज़िंदगी में कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। आप चाहिए, आप इनके ज़िंदगी में चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन की जो लाइफ है, देखो, हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो आपके पार्टनर का आपके साथ, या आपका उनके साथ हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो आप लोग, तो फैमिली का कोई इशू हो सकता है। सो यस, मुझे ऐसा फील होता है कि इनकी ज़िंदगी में अलग अलग तरीके की परेशानियाँ चल रही हैं, अलग अलग तरीके के लाइफ के हर एक एरिया में कुछ ना कुछ खट्टा चल रहा है, मीठा कहीं भी नहीं है इनकी ज़िंदगी में, मीठा अभी कहीं भी नहीं है, हर जगह खट्टा तीखा, है ना। तो इंसान खट्टा तीखा खाएगा तो क्या होगा, मीठे की तो ज़रूरत पड़ती है ना कि भाई हमारी भी लाइफ अच्छी हो। आपके पार्टनर की लाइफ कुछ इसी तरीके से परेशान चल रही है, ये पर्सन लॉस में जा रहे हैं, ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं जो इनको कमाना चाहिए। अब आप इनके लिए जो है प्रॉफिट ही हो एक तरीके से, आप उनकी ज़िंदगी में वो मीठा हो जो इन जिंदगी के कितने भी खट्टेपन हो, कितने भी तीखेपन हो, उसको मैनेज कर सकते हो आप। आपकी छोटी सी मुस्कान या आपसे करना बात आपके पार्टनर को काफ़ी खुश कर सकता है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेलापन में डाल चुके हैं। ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं ना, ऐसा सोच रहे हैं ना कि मतलब मैं ज़िंदगी में इतना अकेला हो गया हूँ, उसके रहते भी मैं इतना अकेलापन फील कर रहा हूँ, उसके रहते भी मुझे इतना एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, अपने आप को मैं माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। आपके पार्टनर अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को जो है इस तरीके से महसूस कर रहे हैं कि भाई मुझे अपनी ज़िंदगी में बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, मुझे अपनी ज़िंदगी में वो टाइम पीरियड नहीं मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए या जो मुझे करना चाहिए। आपके पार्टनर में वो चीज़ें दिख रही हैं, आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि ये पर्सन आज अकेले पड़े हुए हैं, आज ये पर्सन बहुत 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 अकेले पड़े हुए हैं, आज ये पर्सन को इतना ज़्यादा अकेलापन छाया हुआ है, इतना ज़्यादा अकेलापन है कि वो अकेलापन नहीं ख़त्म हो रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ विक्ट्री के सपने देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ ऐसा है कि इनको जो है ना विक्ट्री चाहिए ही चाहिए।
आप नहीं इनकी ज़िंदगी में तो कोई इनको नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके होने से ही ये पर्सन है और इनके होने से ही आप हो। ठीक है, आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा फील होता है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच का जो एक अधूरा सा सपना है, जो एक खालीपन सा सपना है, वो अधूरापन, वो खालीपन जो सपना है वो पूरा तो होना ही चाहिए, है ना? वो अधूरापन, वो खालीपन पूरा तो होना ही चाहिए ना। सो यस, मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है, यानी कि आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं एंड इनको सक्सेसफुल होना है, आपके पार्टनर को सक्सेसफुल होना है। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन इस रिश्ते को ना, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा मिठास डाल देना चाहते हैं कि ज़िंदगी में जितने भी खटास थे, जितने भी खटास रह गए हैं, वो खटास ख़त्म हो जाए। ठीक है, वो एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। यस, चलिए अब देखते हैं, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आगे का क्या सोच रहे हैं? सेवन ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ कप्स। ओके, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मैं थोड़ा सा रुक रुक के कार्ड को पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे पूरी तरीके से क्लैरिटी चाहिए। ओके, फाइव ऑफ वांड्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड देखते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, ये ज़्यादा कार्ड्स हैं। ओके, एट ऑफ वांड्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए सेवन ऑफ वांड्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में जब ये सोच रहे हैं ना, तो इनको एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, क्या? मुश्किलें, परेशानियाँ। ऐसा लगता है कि जैसे कि इतना मुश्किल वक्त, इतना मुश्किल कि अब वो सब कुछ निकलना, वो सारी परेशानियाँ या वो सारे जितने भी फासले रहे, जितनी भी आप दोनों के बीच में दूरियां रहीं, उन सारी चीज़ों को इकट्ठे सामना करना इनके बस की बात नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर को वो जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस में कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, वो अपना काबू, मतलब अपना जो मन है ना, वो कहीं ना कहीं खो बैठते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, ये जो पर्सन है आपके, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा ही दर्द में जा चुके हैं। एंड आपके पार्टनर को कभी भी कुछ भी चीज़ अगर देखना हो, कभी भी कुछ भी चीज़ जानना हो ना, तो ये पर्सन जो है ना, आपके बहुत कुछ खोने लगते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके पार्टनर कन्फ्यूज़न में है। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि भाई, इतना कन्फ्यूज़न या इतनी ज़्यादा एन्जाइटी, स्ट्रेस मुझसे ना हो पाएगा एंड मैं ये सब नहीं झेल सकती, मुझे जो है ना कुछ चाहिए। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत कन्फ्यूज़न में है आगे को लेकर के, या इनको ऐसा लगता है कि आगे तो होना चाहिए था ये, लेकिन अभी हो रहा है ये। सो आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी भी है, कहीं ना कहीं कुछ जज्बात हैं, कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर के आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं,
एंड देखिए ये जो पर्सन है ना कहीं लड़ाई से कहीं झगड़ों से बचना चाहते हैं, ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए जिससे आप दोनों के प्यार पे कोई जो है इफ़ेक्ट पड़े, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा फील, ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपका पार्टनर आपको रिलैक्स फील कराना चाहता है। देखिए ये पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जो है ना लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या कहे तो एक होता ना कि हाँ लड़ाई हो रही है और आप दोनों के बीच में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि बातें क्लियर होनी चाहिए थी लेकिन बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। मुझे ऐसा भी फील होता है कि यस आपके पार्टनर को कहीं आप में एक इमोशनल पर्सन दिखाई देता है, एक इमोशनल इंसान जो कि आपको छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहता एंड आपको छोड़ के कहीं और जाने की चाहत ही नहीं है उसकी। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर में ना वो एक कहते हैं ना कि जैसे कि आपको पाने की जिद जो है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनों से भी लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे कि अपनों से लड़ने का अर्थ ये है कि सब कुछ होते हुए भी और खुद को अकेलापन में पाना है ना, तो आपके पार्टनर ऐसी ही चीज़ें मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को जो एक प्यार है ना, जो मोहब्बत है उसमें कहीं ना कहीं इनको डाउट ऐसा दिखता है, ऐसी एनर्जी दिखती है जहाँ पे ये जो पर्सन है ना कहीं खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को जैसे आप एक होता है ना कि हाँ मैंने बहुत कुछ देख लिया है या मैंने बहुत कुछ फील कर लिया है ना, ये भी होता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन इतना ज़्यादा नज़र रख रहे हैं या आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपको खोने का डर जो है ना इनकी आँखों में सबसे ज़्यादा है और ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी के ऊपर, सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं इनको किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन इतना ज़्यादा दर्द में और तन्हाई में और अकेलेपन में है ना कि कुछ भी इनको क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा फील होता है एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को बात करनी है, बात करके ही इनका जो दिल है वो मानेगा, बिना बात किए कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, बिना बात किए कुछ भी नहीं हो सकता है और बिना बात किए अगर कुछ हो जाता तो फिर कहना ही क्या था। सो यस, ये वाली वाइब आपके पार्टनर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि है एंड आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं मैं ऐसी स्थिति में देख पा रही हूँ जहाँ पे मैं देखूँ तो आप दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हैं, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को फील कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं एंड बहुत जल्दी जो है चांसेस हैं कि आप दोनों मिलो, आप दोनों बातें करो, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में आपका समय ऐसा आने वाला है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। सो ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। सो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको एनर्जी सर्कल भी चाहिए वो भी आपको मिलेगा आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।